रविंद्र जडेजा के LBW आउट दिए जाने पर छिड़ा विवाद, रवि शास्त्री ने भी बता दिया कारण। तो दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक विस्फोटक खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जडेजा अपना शतक बनाने से चूक गए। तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद अपने और टीम के स्कोर में कुछ ही रन जोड़कर वह जोर उठ का शिकार बने। हालांकि जडेजा को LBW आउट दिए जाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री भी अंपायर के फैसले से सहमत दिखे। तीसरे दिन के खेल के 10वें ओवर में जडेजा को जो रूट ने आउट किया। रूट की तीसरी गेंद पर जडेजा डिफेंसिव शॉट खेलने गए, गेंद जडेजा के बल्ले और पैड के बीच में लगी। जो रूट ने LBW की अपील की, अंपायर ने आउट दिया, जडेजा ने DRS लिया। थर्ड अंपायर ने कई एंगल से चेक किया और अंत में रूट के हक में फैसला दिया। वही थर्ड अंपायर के मन में तब भ्रम पैदा हो गया जब गेंद बल्ले के पास से गुजरी तो अल्ट्रा एज ने एक बड़ा स्पाइक दिखाया, लेकिन यह भी दिखा कि गेंद पैड पर भी टकरा रही थी। इसके बाद थर्ड अंपायर ने बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया, गेंद जडेजा के पैड और स्टंप दोनों पर लगती हुई दिखी और अंपायर कॉल देते हुए आउट करार दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। वहीं मैच में कमेंट्री कर रहे रवि शास्त्री इस फैसले से सहमत दिखे और उन्होंने यह भी बताया कि आखिर क्यों जडेजा को संदेह का लाभ नहीं मिला। भारत के पूर्व मुख्य कोच ने यह भी बताया कि अगर मैदान पर फैसला बल्लेबाज के पक्ष में दिया जाता तो जडेजा नॉट आउट रहते। हालांकि अंपायर ने पहले ही आउट दिया था, इसलिए बेनिफिट ऑफ आउट गेंदबाजों को मिला। वैसे दोस्तों जडेजा के इस आउट पर आपका कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा।